नाम अपना मेरे डॉक्टर शाह नज़ीर साहब ना, ये डॉक्टर शाह नज़ीर साहब जो इंतहाई मशहूर और मारूफ हैं और टीवी मीडिया पर भी होते हैं, चांदी भी हर्बर्ट प्रोडक्ट के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अकीम शाह नज़ीर है और चांद बीबी का ये जो ऑयल है ये जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत बेहतर है, पट्टों के दर्द के लिए भी बहुत बेहतर है। बाद लोग रात को सोते हैं पिंडलियों में दर्द महसूस होता है उनको, ये पिंडलियों के दर्द के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप अपना घर में बहुत सारे पेन किलर ऑयल इस्तेमाल करते हैं, आप चांद बीबी का पेन किलर इस्तेमाल करें आपको ज़्यादा इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अगर दांतों में पिलाट आ रही हो, गर्म ठंडा लग रहा हो, दांतों में कमज़ोरी फील हो रही हो, मुँह से स्मेल महसूस हो रही हो, तो उसके लिए ये चांद बीबी का मंजन जो है फटकड़ी मंजन आप इसे इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट है। दिन में दो बार कीजिए। तरकीब इस्तेमाल इसका ये है, कोई सा भी टूथपेस्ट अगर आप यूज़ करते हैं तो आप ये मंजन ले लें, उस टूथपेस्ट के साथ ऐसे लगा के, आप ब्रश के साथ लगा के आप करें, झाग भी बनेगी और दांत भी साफ़ होंगे, गर्म ठंडा भी ख़त्म होगा और मज़ीद प्रॉब्लम से भी महफूज हो जाएंगे, इस्तेमाल करते रहिए। थैंक यू। अच्छा शाहनवाज़ साहब, माशाल्लाह एक ज़माना कदीम से आप तिब की खिदमत कर रहे हैं ना, और लोगों की खिदमत ही कर रहे हैं माशाल्लाह आप, तो सेहत के हवाले से लोग जैसे आजकल अफरा तफरी का मामला है, तो कोई पैगाम, कोई मैसेज जो लोगों को अवेयरनेस के लिए देना चाहिए? बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अब बजाय पड़ोसियों से मशवरा करने से बेहतर है कि किसी अच्छे डिग्री होल्डर मौलिक से मशवरा करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है, आपको एक अच्छा मिल जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि बाहर की चीज़ें, बाजारी चीज़ें अवॉइड किया करें खाने पीने में, अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि सेहत को बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसको बिगाड़ने में मिनट भी नहीं लगेगा। बहुत आला बात कही, कोशिश कीजिएगा कि अपना ख्याल रखिए और दो चीज़ें सीख लीजिए, माफ़ करना सीख लीजिए और माफ़ी मांगना सीख लीजिए, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। देखिए माशाल्लाह शाह नज़ीर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि इंसानी सिर्फ फिटनेस के लिए उसकी हेल्थ का अच्छा होना ज़रूरी नहीं, ज़रूरी है उसी तरह से उसकी माइंड फिटनेस का होना ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने कहा कि हेल्थ होने के साथ साथ मेंटली फिटनेस भी ज़रूरी है, उसके लिए बेहतर यही है कि वो माफ़ करे, दजर करे अपने रिलेशनशिप को, रिश्तेदारों को माफ़ करेगा तो गुस्सा नहीं आएगा, तो उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। बहुत शुक्रिया सर। असिफ भाई ठीक है, खैरियत से? ये शानी साहब मेरे बहुत पुराने, जब बोर्ड ऑफिस में शाह साहब होते थे। अच्छा यार आसिफ, चांदी भी हर्बल प्रोडक्ट के बारे में कुछ अर्ज करेंगे? जी यार पिछले एक महीने से आपके सामने बारिश जी, ये सब चीज़ में गुजरा है, ये भी रहा है जब काम वाम खान के आए हूँ मैं मेरे पास, ऐसे कोई मसाइल जिसके लिए लोग परेशान आ रहे हैं, अगर आप उसमें चेक करना चाहें तो आप गूगल में मेरा नाम डाल लें, मेरी तमाम वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी, आपको हेल्थ से रिलेटेड तकरीबन 250-300 वीडियोस मैंने डाली हुई हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, उसमें मुख्तलिफ अमराज के बारे में भी हैं और लाइफ भी कंसर्न है, आपके सवालों के जवाब भी हम देते हैं। आप यूट्यूब में लिखें हकीम शाह नज़ीर, आप उस पर देख लें आप, तो आपको सारी वीडियोज़ आ जाएंगी आपके सामने। कोशिश है कि आप अपने घर पर बैठ के अपना एक अच्छी चीज़ इस्तेमाल करें, और कोशिश हम यही करते हैं कि जितनी भी चीज़ें हम बता रहे होते हैं ये वो चीज़ें होती हैं जिनका साइड इफेक्ट 0% होता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता जी, क्योंकि बच्चे बड़े सब इस्तेमाल करते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट के मशवरे को जारी रखा करें, और कोई भी दवा आप इस्तेमाल करें, कोई भी दवा किसी से भी इस्तेमाल करें, लेकिन आपकी जो सबका दवाइयाँ होती हैं जैसे ब्लड प्रेशर या शुगर की या हार्ट की, वो अपने डॉक्टर के मशवरे से जारी रखना है, आपने उसको रोकना नहीं है, एक दिन के लिए भी नहीं रोकना। अच्छा जी, हर्बल के अवेयरनेस के बारे में क्या कहेंगे, जैसे लोग आजकल बहुत डिप्रेशन है लोगों को, तो क्या हर्बल्स के अंदर ही? मैंने आपसे भी अर्ज किया, हर चीज़ के ऊपर एक वीडियो बनी हुई है, ठीक है आप उसे देख लीजिए, मैंने हकीम शाह नज़ीर साहब के, हकीम शाह नज़ीर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, ठीक है, बहुत शुक्रिया।